आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम लेंगे कुछ चिकन के पीसेस, उसको मैरिनेट करने के लिए उसमें ऐड करेंगे सबसे पहले दही, रेड चिली, सॉल्ट, क्यूमन सीड्स, कोई चिकन टिक्का मसाला, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स करके हम 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैरिनेट होने के बाद दिए गए चिकन को एक पैन में ऑयल फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये मैरिनेट हुए हुए चिकन को हम कुछ देर के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसमें 7-7 चम्मच को हिलाएंगे, चिकन के पीसेस को बताएंगे। पानी खुश्क करने के बाद चिकन के पीसेस जब मुकम्मल तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए एक कोयला लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसको ढक्कन से डाल देंगे। कुछ देर गुजरने के बाद ढक्कन उठा देंगे। कोयले को भी उठा देंगे। और चिकन के पीसेस को किसी बर्तन में निकाल लेंगे। विक पैन में ऑयल लेंगे, उसमें चॉप हुआ प्याज डालेंगे और उसको हिलाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बनाएंगे। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो उसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब सही मसाला इसका तैयार हो जाए, तो उसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इसमें ग्रीन मिर्च ऐड करेंगे और चिकन टिक्का जो हमारा बारबेक्यू में तैयार हुआ था उसको मसाले में मिक्स कर देंगे। कुछ देर पकने के बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे और ढक्कन दे देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे और जब पानी खुश्क हो जाए, तो इस पे थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। हमारा चिकन टिक्का तैयार है।